Hello dear students, we are doing unit 4 section A3 and today I will take the next exercise which is given on page number 73. Exercise A8. Pick out words from the passage which means the opposite of the following. So first is giant. The opposite of giant is tiny. T-I-N-Y, tiny. Second word is whisper, is screamed. Opposite of whispered is screamed. S-C-R-E-A-M-E-D, screamed. Third one is weak. Opposite of weak is strong. S-T-R-O-N-G, strong. Next one is foolish. Opposite of foolish is wise. W-I-S-E, wise. Next is, fifth one is friend. The opposite of friend is enemy. E-N-E-M-Y, enemy. Next one is happy. Opposite of happy is sad. S-A-D, sad. Now I will discuss the next exercise which is given on page number 74. So 74 में यहाँ पर क्या दिया है, imagine you are a Lemuel Gulliver after an eventful stay at Lilliput. Time has come for you to return to your country. Just when you are about to leave, two of the emperor's messengers had over present and a letter to you with the letter which is given below. तो ये राइटर हमने जो पिछली बार पढ़ लिया था, ठीक है, इसे एक बार आप देख लेंगे. बट जो आपने एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है वो पेज नंबर 75 पे दिया गया है. ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पर, आफ्टर रीचिंग होम यू आल्सो राइट अ लेटर टू द एम्परर एक्सप्रेसिंग योर हैप्पीनेस ऑन रिसीविंग द प्रेजेंट एंड द लेटर. राइट द लेटर टू द एम्परर इन द स्पेस गिवन बिलो. तो ये लेटर जो आपको लर्न करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो ये लेटर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर. कि जिन बच्चों ने नहीं किया था वो यहाँ से कर लेंगे. लेमुअल गुलिवर, 14 हैमिल्टन स्ट्रीट, लंदन, इंग्लैंड. डेट इज सितंबर. जो भी आप एग्ज़ाम में अगर आपके पास आता है ये, तो आपने ये करना है जो डेट होगी उस दिन की वो लिखनी है यहाँ पर. ठीक है, नाउ और जो भी ईयर है, ठीक है, क्या हो ईयर, क्या हो गया हमारे पास 2021. द एम्परर, वाइट पैलेस, लिलीपुट, योर रॉयल हाइनेस. माय जॉय न्यू नो बाउंड्स टू रिसीव द प्रेजेंट्स and the letter sent for me. I find it difficult to express my high feeling for you. I am also grateful to you for the presents. They are so lovely. Please accept my heartiest thanks. You shall always be in my heart. I will try my best to visit you again. Thank you. Yours sincerely, Lemuel Gulliver. तो ये जो लेटर है आप पूरा लर्न कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए. Now I will discuss the next section, section B, which is given on page number 76. It's a tape script जो कि हमने एलियन के ऊपर है. ठीक है, ये मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी थी. जिन बच्चों ने नहीं किया था वो यहाँ से कर लेंगे. अभी यहाँ पर दिया है सेक्शन, एक्सरसाइज क्या दी गई है, B3. ऑन द बेसिस ऑफ योर लिसनिंग ऑफ द स्टोरी ऑर्गेनाइज द इवेंट इन द करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर अंगेज ई सेंटेंस. आप भी यहाँ से नंबरिंग में बताती जाऊँगी, आप लिखते रहेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोरी. स्टोरी में पहले कौन सी क्या
हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो फर्स्ट है रिजी गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली। सेकेंड वन इज रिजी विजिट्स द अर्थ विद हिज फैमिली। थर्ड वन इज इनविजिबल रिजी एंटर्स अ हाउस एट द एंड ऑफ अ लेन। फोर्थ वन इज रिजी फाइंड्स अ केक इन द किचन। फिफ्थ वन इज अ यंग बॉय फाइंड इट्स केक हाफ इटन। नेक्स्ट इज सिक्स वन इज रिजी फील सॉरी एंड अपियर्स बिफोर द बॉय एंड टेल हिम द ट्रूथ। सेवेंथ वन इज रिजी हेल्प्स द बॉय इन बेकिंग अ न्यू केक। नेक्स्ट वन इज एट वन इज रिजीज पेरेंट्स लोकेट हिम ऑन देयर रडार। होप यू हैव डन इट। 176254833। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर। रिजी वॉज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द अर्थ बिकॉज। देयर आर थ्री ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज हिज पेरेंट्स वॉन्टेड हिम टू स्टे देयर। नेक्स्ट वन इज ही वॉन्टेड टू मेक फ्रेंड्स विद पीपल ऑन अर्थ। एंड द लास्ट वन इज ही हैड गॉन आउट फॉर अ लिटल एक्सप्लोरिंग। द लास्ट वन इज द राइट आंसर। इसको टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट है बबल कॉल द बर्थडे पार्टी अ सरप्राइज पार्टी बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इज हिज मदर डिड नॉट नो अबाउट इट। सेकेंड वन इज ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड फॉर इट। एंड द लास्ट वन इज ही हैड ऑर्डर्ड अ केक फॉर इट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या कर देंगे हम इसे टिक कर देंगे। हिज मदर डिड नॉट नो अबाउट इट। थर्ड वन बबल स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इज ही कुड नॉट फाइंड हिज बुक्स। सेकेंड वन इज समवन हैड ईटन हिज केक। लास्ट वन इज द एलियंस डिड नॉट टॉक टू हिम। मिडल आंसर है ठीक है। सेकेंड वन वो करेक्ट है। समवन हैज ईटन हिज केक। नेक्स्ट इज रिजी अपीयर्ड बिफोर द यंग बॉय बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इज ही वॉज फीलिंग स्केयर्ड। सेकेंड वन इज ही वॉन्टेड टू लीव विद हिज विद द बॉय। लास्ट वन इज ही वॉज सॉरी एंड वॉन्टेड टू हेल्प द बॉय। द लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। वो टिक कर देंगे। रिजी अपीयर्ड बिफोर द यंग बॉय बिकॉज He was sorry and wanted to help the boy. So dear student, that's all for the day. Tomorrow I will take the next exercise of this section, exercise B5, answer the following questions. Thank you and have a nice day.